अपना छोटा भाई एंकर वेद कुमार। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक उन्नतशील फसल की ओर, एक नई टेक्निकल फसल की ओर, जिसको हम गेंदा की फसल के नाम से जानते हैं। जी हाँ, गेंदा की फूल के फसल के नाम से जानते हैं। सभी लोगों ने लगभग गेंदा के फूल का नाम सुना होगा और गेंदा के फूल को देखा भी होगा। जैसा कि आपको मेरे हाथ में दिख रहा है, हमने भी गेंदा का फूल इस समय अपने हाथ में ले रखा है। तो आज आपको इस वीडियो में हम गेंदा की फूल की खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे। आइए आपको हम मिलाते हैं गेंदा की फसल के किसान से और जानते हैं उससे गेंदा की फसल के बारे में। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? अर्पित कुमार। तो अर्पित कुमार जी, आप हमारे किसान मित्रों को गेंदा की फसल के बारे में बताने की कृपा करें। आपसे यही हम पहला सवाल हमारा ये है आपसे कि आपने जब गेंदा की फसल को लगाने के लिए खेत की तैयारी की थी तो क्या क्या सावधानियां बरती थी, यानी इसमें किस किस चीज़ का उपयोग किया था? खेत में लगाने की पहले जो डाया पड़ी थी। अच्छा अच्छा। दो बाहें जुताई थी। अच्छा अच्छा। तो जैसा कि मेरे किसान भाइयों, आपने देखा कि अर्पित जी ने बताया कि खेत को इन्होंने तैयार करते वक्त इन्होंने इसमें दो बोरी DAP डाय अमोनियम फॉस्फेट यानी DAP डाया जिसको हम बोलते हैं, उसका इन्होंने छिड़काव के रूप में इसमें प्रयोग किया था। तो सर, आपका ये खेत लगभग कितने बीघे का है? 4 बीघे का। 4 बीघे का। तो जैसा कि मेरे किसान भाइयों, आपने देखा कि अर्पित जी ने बताया कि इन्होंने अपने 4 बीघे खेत में 2 बोरी DAP का प्रयोग किया था। तो सर, आपसे एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे, आपने गेंदे की जो पौधे हैं यानी जो गेंदे की फसल है वो कितने दिन पहले लगाई थी? इसमें पौधों की रोपाई कितने दिन पहले की थी? 1.5 महीना पहले। 45 दिन यानी कि 45 दिन, 1.5 महीना पहले। और इसमें से पौधे के बीच की दूरी लगभग कितनी होगी? 1 से 1.5 फीट है। अच्छा, 1 से 1.5 फीट है। और अगर बात करें इसके नाले से नाले के बीच की दूरी की तो लगभग कितनी होगी? 2 से 2.5 फीट। अच्छा, 2 से 2.5 फीट। तो जैसा कि मेरे किसान भाइयों, आपने देखा कि अर्पित जी ने बताया कि इन्होंने लगभग 1.5 महीने पहले गेंदा की फसल की रोपाई की थी, यानी गेंदा के पौधों की रोपाई की थी अपने खेत में। और बात करें इसके बीच की दूरी की तो 1 से 1.5 फीट के बीच है इसके पौधों की दूरी। और बात करें इसके नाले के बीच की दूरी की तो लगभग 2 से 2.5 फीट यानी 3 फीट के करीब है। तो एक चीज़ और आपसे अर्पित जी हम पूछना चाहेंगे, हमारे किसान भाइयों को बताने की कृपा करें आप कि आपने इसके पौधे कहाँ से प्राप्त किए? तेली बाग लखनऊ से आपने। तो जैसा कि मेरे किसान भाइयों, आपने देखा कि अर्पित जी बता रहे हैं कि इसके जो पौधे यानी जो इसकी ब्योर कह लीजिए आप, इन्होंने तेलीबाग लखनऊ से इसकी ब्योर मंगवाई थी या वहाँ से? अच्छा अच्छा। और आपने देखा कि इन्होंने बताया कि इसका जो पौधा था यानी जो इसकी ब्योर थी, इसके जो छोटे पौधे थे वो 1 रुपया पर पीस के हिसाब से इनको पौधा मिला था। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे अर्पित भाई, अभी ने आपने इसमें गेंदे की तोड़ाई तो की नहीं, तो आपके इसमें पौधे लुढ़क रहे हैं यानी ढनक जा रहे हैं आंधी के कारण, काफ़ी बारिश भी यहाँ पे हुई है, तो आप इसके लिए इसमें क्या करेंगे, इसके लिए क्या उपाय करेंगे? इसके लिए नाला बनाएंगे, नाला। अच्छा अच्छा, लगाएंगे इसमें दोनों तरफ, पेड़ के दोनों तरफ से मिट्टी लगाएंगे, नाला बनाएंगे, जैसा कि यानी मिर्चे में प्रोसेस होता है। अच्छा अच्छा। तो जैसा कि मेरे किसान भाइयों, आपने देखा अर्पित जी ने बताया इसमें पौधों की यानी जो पौधे लुढ़क रहे हैं उसका समाधान है, तो उनको रोकने के लिए इसमें दोनों तरफ से ये मिट्टी को लगाएंगे। और आपको एक चीज़ हम बता देना चाहेंगे कि गेंदा ये कौन सा जी गेंदा है ये बताना चाहेंगे? छोटा हजारा गेंदा है, छोटा फूल हजारा। अच्छा, छोटा हजारा गेंदा, यानी अर्पित जी बता रहे हैं कि ये छोटा हजारा गेंदा। हजारा क्यों कहा जाता है गेंदा को, इसके लिए आपको हम बता देना चाहेंगे। हजारा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे इस फूल में इस गेंदे की पत्तियों की 1000 पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इसको हम हजारा भी कहते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आपने वीडियो स्क्रीन पे देखा है अभी कि यहाँ पे 2 तरीके के गेंदे लगे, एक हमारा ऑरेंज गेंदा है और एक हमारा पीले कलर का गेंदा। गेंदा की बात करें तो गेंदा हमारा अमेरिका में भी उगाया जाता है और गेंदे की खेती भारत में काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाती है, क्योंकि गेंदा के फूल का उपयोग जैसे पूजा करने हेतु, सजावट के लिए हेतु, मंडप सजाने हेतु, दुल्हाकार सजाने हेतु, काफ़ी चीज़ों में गेंदे का उपयोग किया जाता है। और गेंदे का उपयोग क्या कहते हैं, मछली के दाने में भी इसका गेंदे के फूल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा अर्पित जी आपसे मिलके, हमारे किसान भाइयों को आपने इतनी जानकारी दी और अपना बहुत कीमती समय गंवाया, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और जुड़े रहिए हमारे अमन मौर्य खेती चैनल से, हम इसी तरह की नई से नई टेक्निकल खेती की वीडियो आपके समक्ष लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।